से जा रही है। रील तब तक इनकी देख सकते हो जब तक उल्टियां ना मारो। पहले राहुल भाई को कुछ नाश्ता पानी करा दिया जाए। और फिर से आ चुके हैं गाइस हम कहाँ, वृंदावन। एक बार फिर से नियम कर लिया, आ चुके थे। अच्छा, कल आ चुके थे। हमारी गाड़ी की चाबी गई थी टूट। तो भाई बाबू, वीडियो शुरू होने से पहले जाके पहले तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब, और आगे की वीडियो जबरदस्त है माय बॉयज गॉट चिल, तो बस सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। फिर से एक और सुबह के साथ एक और गुड मॉर्निंग आप लोगों को। और अभी हम लोग हैं मथुरा के अंदर और हमारे साथ हैं राहुल भाटी भाई। और भाई पूरे टाइम बारिश हुई है, सुबह 3 बजे से बारिश होने लग रही है, सिस्टम बना पड़ा है बारिश का भाई, बिल्कुल एकदम कहीं ना कहीं आने से नहाने के ना कहीं जाने के। तो देखो अभी भी बारिश हुई, थोड़ा सा ड्राइव हम भी कर रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं, दो चार लोग आए हुए हैं उन्हें लेने के लिए आएंगे ये बताने के लिए। तो अब ये पता चलेगा कि कहाँ जाना है हमें, अभी एड्रेस नहीं पता है, चश्मा हमारे भाई गाइड का, तो वो भी देख लेते हैं। बंदर ही बंदर है भाई। और भाई सुबह से बारिश ने तो अत कर रखी है, ऐसे सिस्टम पड़ रखा है बारिश ने। सोच रहे थे कहीं घूमने जाएंगे, सोचा तो मैंने भी यही था भाई कि प्रेम मंदिर वगैरह या कहीं कोई मंदिर घूम लेंगे, लेकिन बारिश का माहौल ऐसा हो रहा है कि मुश्किल लग रहा है। और चाय की भी तलब लगाई अब तो राहुल। बिल्कुल भाई, देखते हैं जाते हैं चाय पीते हैं। तो भाई कॉलगेट तो हो गया और राहुल भाई भी तैयार हो गए, अभी हम लोग लोकेशन देखने जाएंगे शूट के लिए। और उससे पहले मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कि ना हम देखो यहाँ पर मथुरा और वृंदावन के अंदर बंदों के चक्कर में, हाँ मथुरा और वृंदावन अगर आप आ रहे हैं तो आपको होटल से ज़्यादा प्रेफरेंस उसकी रखनी चाहिए, ये क्या कहते हैं धर्मशाला की, क्योंकि सबसे बढ़िया धर्मशाला रहती है, रहने का सारा कुछ अच्छा इंतजाम होता है। और अभी हम जिस धर्मशाला में रुकी हैं वो एकदम जमुना जी के किनारे पे हैं, दिखाता हूँ जमुना जी दिखाता हूँ। तो भाई ये हैं जमुना जी सामने, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। जाएंगे इसके पास भी जाएंगे, हाँ यार चलेंगे, नहा तो लेंगे हम, लेकिन मैं पानी बहुत ठंडा है, वरना इसमें जमुना जी में तो नहाने का मजा ही अलग होता है ना, कीकड़ी सी बन जाएगी ना, कुक्कड़ हो जाएंगे पूरे। तो आ जाओ राहुल भाई, निकलते फिर लोकेशन ढूंढते हैं, चल। हाँ भाई चलो। तो भाई मैं ऐसे कह रहा था धर्मशाला के रूम ऐसे मिल जाएंगे आपको, कंबल वगैरह सारा चीज मिल जाता है, बाकी सारा कुछ, वॉशरूम भी अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। तैयार होके मैं तैयार क्या होना है, मुंह धो लिया, पहले लोकेशन चेक कर ले, फिर नहा के फिर हम थोड़ा घूमेंगे, मंदिरों की हिस्ट्री बताएंगे आपको, क्योंकि यहाँ के मंदिरों की काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है, अभी मेरे को भी वो चीज़ नहीं पता थी। राहुल भाई जो आपने बताई वो कलश चुरा के लेके आ रहे थे चोर वाली, तो आप ये समझ लो करोड़ों का सोना होगा वो, करोड़ों का तो होगा ही यार, अगर मान लो एक कलश 1 टन का भी हुआ, 1 टन, 1 टन बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर 1 टन सोने का वेट हो तो। चलो देखते हैं, अभी बताते हैं और चीज़ें, मिलते हैं फिर। तो भाई अब हम लोग निकल गए हैं यहाँ से वृंदावन घूमने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पर चल रही हैं थोड़ी रस्मों रिवाज का काम, तो हम लोग थोड़ा आ गए हैं रोड पे, और यहाँ पार्किंग वाले बहुत हैं, तो सोच रहे हैं कि कुछ पहले खा लिया जाए, क्यों राहुल भाई? बिल्कुल भाई भूख लग रही है। एक्चुअली हमारे राहुल भाई हैं वो ज़्यादा चीज़ें तो कंज्यूम नहीं करते हैं, मतलब खाने में, तो इसलिए वो हर चीज़ नहीं खा सकते हैं। चलो भाई, तो भाई इसलिए हम लोग थोड़ा सा पहले राहुल भाई को, राहुल भाई क्या खाओगे ये बताओ पहले आप। भाई कुछ भी ले लो यार, बिस्कुट विस्कुट चाय पानी कुछ भी। तो भाई पहले राहुल भाई को कुछ नाश्ता पानी करा दिया जाए और थोड़ा हम भी खा लें, उसके बाद देखते हैं कहाँ घूमने जाना है, कहाँ जाते हैं। लोग जा रहे हैं नहाने के लिए और हम लोग भूल चुके हैं रूम अपना, और इसीलिए हम ऊपर चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं आसमान की वादियों में। हम रूम के अंदर और ये हमारे भाई, भाइयों का नजारा दिखाओ, ये देखो। तो आप लोगों के लिए भाई साहब पूरा बैकग्राउंड देखो भाई। तो एक बार फिर से आ चुके हैं गाइस हम कहाँ, वृंदावन। एक बार फिर से नियम कर लिया, आ चुके थे। अच्छा कल आ चुके थे, भूल गए, ठीक है। ये देखो यहाँ का नजारा, नजारा मैंने पूरा, दिस इज गुड व्यू, इज वेरी फैंटास्टिक। मतलब इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, दानिश सैफी 003। और गाइस भाई को, भाई को भाई पेड कोलैब करते हैं, पेड कोलैब है ना, फ्री वाला है, नहीं फ्री वाला अभी तो फिलहाल, भाई मजाक कर रहा है। हाँ भाई इनकी रील देख सकते हो, बस रील तब तक इनकी देख सकते हो जब तक उल्टियां ना मारो।
खून की हीरा ला, हीरा ठाकुर नहीं बनना है। नहीं भाई बहुत अच्छी, बहुत अच्छी रील बनाते भाई, मजा आता है ऐसे गोली मारते है बंदा गायब। और ये भाई ये तो ऐसे देख लेते हैं, आंखों से लेजर निकलती है बंदा गायब। Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find a way. My mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, 'cause everybody wanna do bad things. I will run, run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance. तो भाई जैसे कि मंदिर दिख रहे हैं उसमें काफ़ी पेड़ हैं, तो ये क्यों फेमस है वो बताता हूँ। इसके अंदर से जो कृष्ण भगवान है उन्होंने कालिया नाग को मारने के लिए जमुना जी में छलांग लगाई थी, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मंदिर फेमस है। तो ये उस मंदिर का फ्रंट डोर है जहाँ पर कृष्ण भगवान ने पेड़ से छलांग मारी थी उस मंदिर का। ये इसका नाम है और ये पेड़ की कुछ शाखाएं हैं उसी पेड़ की। पता नहीं कितना भाई सदियां तो बीत गई होंगी ना उस बात को, सदियां बीत गई हैं और देख रहे हो पेड़ अभी भी वैसे ही है। कुछ हिस्सा सूख गया है, कुछ अच्छा हिस्सा अभी भी। फाइनली अच्छा शूट मतलब शूट कह रहा हूँ, तो फाइनली आज का व्लॉग कम्प्लीट हुआ। हम लोग राधा रानी मंदिर गए, बाकी बिहारी मंदिर गए थे ना, बाकी बिहारी मंदिर गए और हमारे साथ रॉबिन भाई भी गए थे और एक भाई और गए थे। इनकी वीडियो आपने आगे देखी थी ना, इनका टोपा बंदर ले गया था। एक्चुअली हुआ क्या था, वो उनके सर पे थोड़े बाल ज़्यादा हैं तो उन बालों को ढकने के लिए वो टोपा लगाते हैं, तो अचानक से बंदर आया और पीछे से उनके सर से टोपा उतार के ले गया, तो फिर उसे फ्रूटी देनी पड़ी। पीछे वाले गुलाब देखे, पीछे वाले गुलाब देख के कुछ याद होता है, ओह माय गॉड अभी याद करेंगे। तो वो सब तो ठीक है, और अभी ललित भाई जी हैं जो उनके पोर्ट्रेट वगैरह चल रहे हैं शादी के, तो पोर्ट्रेट हो गए हैं, उसके बाद हम और चीज़ें दिखाएंगे आपको। तो भाई हमारा मोटा यहाँ पर काशीपुर वाला बाबा बन गया आश्रम का। गाने बंद कर दिए। मैं जैसे कल बता रहा था कि हमारी गाड़ी की चाबी गई थी टूट, तो सेंसर वाली चाबी बनाना बड़ी मुश्किल होती है, मैगी काफ़ी पड़ जाती है। तो हम फरीदाबाद
कौन से सेक्टर पड़ जाते हैं, 28 है ना, 28 के अंदर बट्टा मार्केट में एक शॉप है भाई, यहाँ पर ये भैया मतलब 400-500 रुपए तक में बना देते हैं सेंट्रो की हमारी, इसकी तो 400-500 तक में बन रही है। बाकी अगर आपकी और कोई गाड़ी है तो उसका प्राइस भैया अलग ही बता देंगे जो भी होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो सही रेट में बन रही है भाई चाबी यहाँ पे। बाकी आप देख लो, हेलो भाई, भाई ने जुगाड़ कर दिया, सेंसर निकाल दिया पूरा, और ये बाहर आ गया सेंसर। ये सेंसर आ गया बाहर। कल हुआ ऐसा था कि थोड़ा एंजॉयमेंट के चक्कर में तो भाई ये गाड़ी की चाबी हो गई हमारी तैयार, और भाई ने काट दिया था मेरे को, काट कहाँ चला गया भाई, काट देना एक बार। लो भाई ये रहा कार्ड, देख लो भाई ये रहा, फोन करके भी पता चल जाएगा कितने लगेंगे भाई, कौन सी गाड़ी है। हमारी गाड़ी की चाबी तैयार हो गई, लो भाई चाबी है भाई, तो चाबी हमारी तैयार हो गई है, और चलो देख लेते हैं। चलिए भैया धन्यवाद आपका, आपको पेमेंट वहीं से कर देते हैं, ये लेके जा रहा हूँ मैं भी पूरे, ठीक है, मिलते हैं, आ जाओ, पैसे ये उधर मंगा रहे हैं कैश, इनको कर देंगे वहीं पे, आ जाओ भाई। ये रही भाई दुकान की, वो भाई हमारी लाइफ में दिक्कतें भी कम नहीं है ना, क्योंकि ट्रिप ज़्यादा हैं, और ट्रिप ज़्यादा हैं तो काम भी ज़्यादा है, काम ज़्यादा है तो थोड़ा सपोर्ट भी ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और अब सीधा घर पहुँचते और आराम करेंगे, थक गए हैं बहुत ज़्यादा, तब तक लिए टाटा, टेक केयर।